जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। और यहाँ मैंने चावल थे उनको गर्म किया अपने लिए और अपनी हेल्पर के लिए, और साथ मैंने बनाई थी चाय। और पहले भी मैंने किसी ब्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मैं जो रात के चावल होते हैं ना, वो सुबह मैं जब भी खाऊँ ना तो उनके ऊपर मैं थोड़ी सी चीनी डाल के खाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है जी हमारा सिंपल सा नाश्ता जो मैं और मेरी हेल्पर कर चुकी थी। और यहाँ जी अब हम बनाने लगे थे दोपहर की हंडिया, और मैंने फ्रिज से सब्ज़ी निकाल के रखी थी। आज हम बनाएँगे आलू अरवी, और साथ यहाँ जी ये टमाटर काफ़ी दिनों से फ्रिज में पड़े हुए थे इतने ठंडे होके। अच्छा ज़्यादा देर पड़े रहे तो पता नहीं टमाटरों के ऊपर ब्लैक ब्लैक से ना सर्कल बन जाते हैं, तो वो मैंने निकाल के रख दिए थे। और यहाँ जी ये जो टेबल है मेरा, यहाँ जो लिविंग एरिया में हमारा पड़ा होता है, इसके जो ऊपर मैंने शीट डाली थी ना, इसके दो जो साइड्स हैं ना, इधर वाले जो बाहर वाली साइड पर हैं, वो कॉर्नर से ना फटना स्टार्ट हो गए थे। तो मैं काफ़ी दिनों से अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मुझे ये काट के ना तो इनको टेप वगैरह लगा दें, बिल्कुल साथ ना टेबल के फ़िक्स कर दें। तो बस मैंने टेबल से सामान उठा के तो उनसे बोला था, वो कहते अभी मैं कर देता हूँ। और साथ मैं किचन में आ गई थी और साथ साथ मैं किचन की डस्टिंग कर रही थी। मेरी आदत है कि जब मैं किचन में कोई भी खाना वगैरह बनाती हूँ ना तो साथ में किचन के काफ़ी दूसरे काम भी निपटा लेती हूँ, जिसमें शेल्फ वगैरह को साफ़ करना है। और यहाँ जी मैंने फ्रीज़र से बलाई निकाल के रख दी है, आज मैं इससे मक्खन बनाऊंगी। और ये जी हमारे सारे हथियार, तो जिनसे ये देखें जी टेबल वगैरह की जो एक्स्ट्रा शीट है ना, ये ब्लेड इतना तेज़ है ना कि एक सेकंड में ना चीज़ को काट देता है ना। तो बस यहाँ साथ में हेल्प कर रही थी, तो वीडियो प्रॉपर तरीके से तो नहीं मैं बना पाई क्योंकि वो शीट साथ पकड़नी भी थी क्योंकि वो स्लिप हो जाती थी ऊपर। तो बस साथ साथ वीडियो जैसी भी मेरे से बनाएगी मैंने बना ली है, बस ये एक्स्ट्रा जितनी भी शीट है इसको काट देंगे। अच्छा ये शीट है तो बहुत अच्छी, लेकिन इसमें एक मसला है कि ये ना कॉर्नर से हमेशा फटना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इतनी अच्छी वाली थी लेकिन कॉर्नर से ये हमेशा जहाँ से ये मुड़ती है ना वहाँ में इसमें ना क्रैक्स यानी कि कट जाती है, अजीब सी इसकी ना वो, और काफ़ी दिनों से ना अच्छी भी नहीं मुझे लग रही थी। तो यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ ये ग्लू है, वो जो कारपेट लगाने वाली ग्लू होती है ना, उसका टिन पड़ा था, तो मैंने कहा इसके साथ ना मुझे फ़िक्स कर दें यहाँ सारी ग्लू लगा के। फिर हमने उसको साथ चिपका के फिर ऊपर जो टेप होती है ना वो लगा दी थी कि जब तक ये ड्राई नहीं होता अच्छी तरह ये चिपक जाए, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद ये हम एक्स्ट्रा जो टेप है ना ये उतार देंगे। ये देखें जी ये इसकी इस तरह से फिटिंग होगी, और फिटिंग के बाद माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी लग रही थी ना, वैसे वो जो लटक रही थी तो यूँ लग रहा था जैसे यहाँ पे रश रश सा है ना का, अब बिल्कुल ये ना अच्छी लगना शुरू हो गई थी। ये देखिए और जब ये ड्राई हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये जो एक्स्ट्रा टेप है ना मैं बाद में इसको ना उतार दूँगी, इससे टेबल की लुक भी अच्छी होगी थी। अच्छा जी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो बस जी यहाँ पे अगले काम स्टार्ट हो गए थे, या मैंने चिकन मंगवाया था मैं उसको वॉश करके रख रही थी, और ये था हमारा दोपहर का टाइम। और दोपहर को मैंने इसे वॉश करके और इसे कट वगैरह लगा के उसको मसाला वगैरह लगा के ना तो मैं इसको रख दूंगी, और आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये है जी मैं चिकन स्टीम रोस्ट बनाने लगी थी, मैंने कहा मैं आज ट्राई करती हूं और साथ आपके साथ भी शेयर करती हूं। तो आज मैंने राइस नहीं बनाए थे क्योंकि काफ़ी दिनों से हम राइस खा रहे थे, तो मैंने कहा था कि इसको सिंपल वैसे चटनी या केचप वगैरह के साथ, चाय के साथ ना इसको हम खाएँगे, तो इसलिए मैंने इसके साथ और कोई चीज़ नहीं बनाई, सिर्फ मैंने ना इसके साथ चाय हमने बना ली थी और साथ केचप थी, और चटनी नहीं मैंने बनाई थी सिर्फ केचप थी ना। तो बस ये जो बना माशाल्लाह से बहुत मज़े का था, इसको मैंने कट लगा के तो थोड़ी देर के लिए पानी में सिरका डाल के इसको रख दिया था, इससे जो आपका चिकन है ना बहुत अच्छा टेंडर होता है, बहुत अच्छा जूसी सा बनता है, और सिरके से इसकी ये है कि आपका चिकन टूटता भी नहीं है। ये देखें मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह इसको मैंने सिरके में भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था, ये पानी और सिरका है, तो जब तक ये आधा घंटा होता है हम इसको, इसका जो मसाला हमने लगाना है वो
इसमें जी मैंने ले ली है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैंने लीमू का रस डाला था और इसमें टिक्का मसाला ऐड किया था, साथ ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाला पाउडर था, साथ थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया था और साथ थोड़ी सी दही। और 1 टीस्पून करते करते मेरी ज़बान एंड में थोड़ी सी होगी कि मैं वो बार बार बोल रही थी ना हाफ़ टी स्पून, तो वो बस कभी कभार ऐसा हो जाता है, इग्नोर कर दीजिएगा। तो बस जी ये हमारा वहाँ पर मसाला रेडी हो गया था। अब मैंने इसका पानी जो था ड्रेन कर दिया है। ड्रेन करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना यूं ही रख दूंगी, इसका जो एक्स्ट्रा जितना भी पानी है ना वो इसमें से निकल जाए और चिकन खुश्क हो जाए। अच्छा ये ना नेक्स्ट डे था, यानी कि आज मैंने इसको मसाला वगैरह लगाया था ना, जिस दिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि टेबल वगैरह मैंने किया है और अरवी बनाई है, उस दिन मैंने इसको मसाला लगा के तो रख दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने इसको ना इसको स्टीम किया था। यहाँ जी पहले मैंने चिकन को ऑयल में डाल के तो अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको सारा मसाला लगा के रखेंगे। अच्छा जी बड़े आराम से आप डालिएगा क्योंकि ऑयल गर्म है, तो जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें चिकन डालें ना तो चिकन में पानी होता है तो बहुत ज़्यादा इसमें से आवाज़ आती है और जो ऑयल है ना उड़ता भी है, तो बस थोड़ी एहतियात से ये काम कीजिएगा और मीडियम फ्लेम रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको जी इस लाइट ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाए ना, जो आपको अच्छा लगे, बस जलना नहीं चाहिए, कलर अच्छा सा आना चाहिए। तो यहाँ देखें जी इसका कलर आना शुरू हो गया है। तकरीबन हम 10 मिनट और इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसको ना इस ऑयल में से निकाल लेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ गई है ना इसकी, ये देखें। अच्छा जी अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ठंडा होने के बाद हमने जो मसाला ये सारा बना के रखा था इस चिकन को, हम इसमें रख के इसको सारे चिकन को इसको अच्छी तरह से ना इसका मसाज कर देंगे इस मसाले से, ताकि इसके कट के अंदर अच्छी तरह से मसाला चला जाए। और इसके बाद फिर हम इसको ढकना लगा के ओवरनाइट रख देंगे। ओवरनाइट रखने से ये होता है कि आपका मसाला चिकन के अंदर तक चला जाता है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे 2 से 3 घंटे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो ओवरनाइट है ना उसमें मसाला चिकन के अंदर बहुत अच्छे से चला जाता है। तो ये देखें अब मैं इसको ना मसाला लगा के, इसमें मैंने फ़ूड कलर भी ऐड किया था, शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ, थोड़ा सा इसमें फ़ूड कलर ऐड किया और इसको मैंने इसमें लगा के रख दिया। अच्छा जी ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की ये मॉर्निंग है। रात में जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे वो सारे ड्राई हो गए थे, और सुबह मेरा ये पहला काम होता है कि जितने भी बर्तन मैंने रात को वॉश करके रखे होते हैं और ड्राई हो जाते हैं तो उनको ना मैं उनकी जगहों पे ना दोबारा रख देती हूँ। ये सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जिसका मैंने एक रैक बनाया हुआ है, जितने भी मेरे प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं ना इसी रैक में होते हैं, तो ये बास्केट्स वगैरह मैंने अलग से एक रैक में रखी हुई हैं। तो बस ये सारे मेरे जो बर्तन शेल्फ पे हैं ना मैं सारे इनको समेट लूँगी, क्योंकि जो किचन सुबह सुबह समेटा हो ना तो फिर काम करने में आसानी होती है, और रात को वैसे भी आप किचन समेट के सो जाएँ बर्तन वॉश करके तो फिर सुबह इतना ज़्यादा काम नहीं होता। अच्छा जी ये वही वाला ऑयल है जो रात को जिसमें मैंने ये सारा चिकन फ्राई किया था। अच्छा ये नेक्स्ट डे है, दोपहर का टाइम, और वो चिकन मैं जी अब देखिए इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद अच्छा आपने कलर अपनी मर्ज़ी से जितना भी ना, और ये है कि जब मैंने इस तरह से फ्राई किया था तो बहुत जल्दी इस पर ना कलर आना स्टार्ट हो गया था, यानी कि जल्दी जल्दी ये फ्राई हो गया था क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ये चिकन पक चुका था। तो बस इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। यहाँ मैंने जी एक देगची में पानी ले लिया है, एक स्टैंड रख लिया है, जितनी देर वो पानी थोड़ा सा ना मैंने मीडियम फ्लेम पे ना उसको गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि वो उसमें स्टीम बन जाए। और ये जो चिकन है ना इसको मैं फॉइल पेपर में ना रैप में इसको रैप करके अच्छे से लपेट के, तो इसको आपने पंक्चर कर लेना है थोड़े थोड़े, इसमें आपने ना स्पून से या किसी चीज़ से भी ना नाइफ से आपने इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर लेने हैं ताकि जो स्टीम है ना इसके अंदर तक जाए। तो ये देखें यहाँ मैंने इसको इस तरह से ब्रिक कर लिया था,
तो बस ये इसको हम अब रख देंगे, वो जो हमने स्टीमर बनाया है 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ना, बल्कि आधा घंटा तकरीबन ना आप इसको ना रख लें उसके ऊपर स्टीमर पे ना। और यहाँ जी देखें माशाल्लाह से चेक कीजिएगा, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी और इतनी अच्छी इसकी लुक आई थी, इतना गर्म था मेरे से, मैंने कहा कि मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूं, तो माशाल्लाह से चिकन टूटा भी नहीं था और इतना अच्छा गल गया था और इतना अच्छा इसका टेस्ट आया था। और ये देखें जी माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी